लगता है कि कुछ गुंडे एक लड़की को तंग कर रहे होते हैं, जिसको देखकर वो उसकी मदद करने उसके पास जाता है, लेकिन वो गुंडे छुट्टन लाल की ही ठुकाई कर देते हैं। तभी छुट्टन लाल को देखकर राजू रस्तोगी वहां पर आता है और जैसे तैसे करके मामले को संभाल लेता है। लेकिन तभी अचानक छुट्टन लाल के पिछवाड़े में पता नहीं क्या चुलसी मचती है और वो सभी को बता देता है कि राजू रस्तोगी एक ड्रग डीलर है। अब ये सुनते ही वो गुंडे राजू रस्तोगी के पीछे पड़ जाते हैं और उसका सारा पाउडर और पैसे चुराकर वहां से भाग जाते हैं। अब इस इंसिडेंट से राजू रस्तोगी की बुरी तरह फटी पड़ी थी, क्योंकि वो पाउडर उसने जिस डीलर से खरीदा था उसने उसके पैसे अभी तक नहीं चुकाए थे। अब राजू रस्तोगी जानता था कि वो डीलर उसकी फाड़ देगा, इसलिए वो उस डीलर की कॉल्स को इग्नोर करने लगता है। लेकिन अगले ही दिन डीलर के लोग राजू रस्तोगी को किडनैप करके डीलर के पास ले जाते हैं, जिसका नाम पप्पू मिश्रा होता है। फिर पप्पू मिश्रा राजू रस्तोगी के सामने दो ऑप्शन रखता है कि या तो वो उसके पैसे दे दे या उसकी एक फैक्ट्री जो कि मेक्सिको में है वहां से उसे पाउडर को स्मगल करके यहां पर लाना होगा, जिसके लिए वो उसे खूब सारे पैसे भी देगा। अब राजू रस्तोगी के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो ये काम करने के लिए राजी हो जाता है। फिर घर आकर वो सोचने लगता है कि कैसे वो चीनी पाउडर को बॉर्डर के इस पार लेकर आएगा, क्योंकि बॉर्डर पर पुलिस के कुत्ते उसे सूंघ लेंगे, जिससे वो पक्का पकड़ा जाएगा। लेकिन तभी उसकी नजर एक फैमिली पर पड़ती है जो कि छुट्टियां मनाने के लिए बाहर जा रहे थे। वहीं रास्ते में उन्होंने ट्रैफिक रूल भी तोड़ा था, लेकिन पुलिस वाला उन्हें कुछ नहीं कहता। अभी देखकर राजू रस्तोगी को एक आइडिया आता है कि वो भी फैमिली वेकेशन के बहाने उस पाउडर को यहाँ पर ला सकता है, जिससे पुलिस भी उस पर शक नहीं करेगी। लेकिन इस काम को करने के लिए उसे एक फैमिली की जरूरत थी, तो वो अपनी एक नकली फैमिली बनाने के काम में लग जाता है। फिर सबसे पहले वो शालू शातिर के पास जाकर उसे अपनी नकली पत्नी बनने को कहता है, जिस पर शालू शातिर पहले तो उसे मना कर देती है, पर जब राजू रस्तोगी उसे पैसे ऑफर करता है तो वो इस काम को करने के लिए मान जाती है। फिर इसके बाद वो छुट्टन और मुन्नी बेईमान के पास जाता है और उन्हें उसके नकली बच्चे बनने के लिए मना लेता है। दोस्तों, मुन्नी बेईमान वही लड़की है जिसे उस रात इन दोनों ने गुंडों से बचाया था। इसके बाद सभी लोग प्लेन में बैठकर मैक्सिको पहुंच जाते हैं, जहां से आगे वो एक वैन में बैठकर कुछ देर बाद उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहां से उनको वो माल उठाना था। लेकिन वहां पर पहुंचकर उनको पता चलता है कि पप्पू मिश्रा ने उनको धोखा दिया है। दरअसल उसने इनको कुछ किलो ही माल उठाने को कहा था, लेकिन वहां पर तो इतना माल था कि इससे उनकी पूरी वैन ही भर जाती है। लेकिन अब राजू रस्तोगी के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था, इसलिए वो सारा माल अपनी वैन में भरकर वहां से निकल जाता है। लेकिन फैक्ट्री से निकलते ही रास्ते में उन्हें एक पुलिस वाला रोक लेता है, जिसको देखकर वो सभी लोग घबरा जाते हैं और उन्हें लगने लगता है कि अब वो पकड़े जाएंगे। लेकिन वो पुलिस वाला रिश्वतखोर था और वो उनसे कुछ पैसे लेकर उन्हें बिना चेक किए वहां से जाने देता है। फिर कुछ देर तक ड्राइविंग करने के बाद वो लोग बॉर्डर पर पहुंच जाते हैं, जहां पर उनकी मुलाकात एक और फैमिली से होती है, जहां पर पप्पू पनौती और कंगाली नाम का एक कपल अपनी बेटी ढोलकी के साथ कहीं पर जा रहे थे। वहीं जब छुट्टन लाल की नजर ढोलकी पर पड़ती है तो उसका छोटा पप्पू खड़ा होकर सलामी देने लगता है। तभी बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान कुछ पुलिस वाले उनको वैन से नीचे उतार देते हैं। फिर एक पुलिस वाला वैन के अंदर जाकर चेक करने ही जा रहा होता है कि तभी पीछे से कुछ लोग वहां से भागने लगते हैं, क्योंकि वो लोग गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर को पार कर रहे थे। अब उन लोगों को देखकर पुलिस वाला राजू रस्तोगी को आगे जाने देता है और कहता है कि हम लोग इन्हें ही ढूंढ रहे थे। अभी सुनकर वो सभी जल्दी से वैन के अंदर चलते हैं और सक्सेसफुली बॉर्डर को क्रॉस कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ जिस फैक्ट्री से राजू रस्तोगी माल लेकर निकला था, वहां पर उस फैक्ट्री का असली मालिक निर्मल निरोध आ जाता है। अब यहां पर हमें पता चलता है कि पप्पू मिश्रा ने राजू रस्तोगी से झूठ बोला था कि उस फैक्ट्री का मालिक वो है, और उसने धोखे से निर्मल निरोध का सारा माल राजू रस्तोगी से चोरी करवा लिया था। फिर यहां पर निर्मल निरोध को जब पता चलता है कि उसका सारा माल किसी ने चुरा लिया है, तो वो तुरंत एक आदमी के साथ राजू रस्तोगी को पकड़ने उसके पीछे लग जाता है। दूसरी तरफ वो सभी लोग खुशी खुशी घर की तरफ जा ही रहे थे कि तभी अचानक उनकी वैन खराब हो जाती है। लेकिन कुछ ही देर में वहां पर कंगाली और पनौती आ जाते हैं, जो उनको गैराज तक लिफ्ट देने की बात करते हैं। इसके बाद वो सभी लोग उनकी वैन पर चढ़ जाते हैं और गैराज की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी बातों ही बातों में राजू रस्तोगी को पता चलता है कि पनौती एक नारकोटिक्स ऑफिसर है और छुट्टियां बिताने के लिए यहां पर आया हुआ है। अभी बस सुनते ही राजू रस्तोगी की फट जाती है और वो अपने बाकी साथियों से कहता है कि हमें इन चूतियों से कैसे भी करके छुटकारा पाना होगा। लेकिन यहां पर भी उनकी किस्मत के एल लगे हुए थे, क्योंकि जिस गैराज में वो अपनी वैन ठीक करवाने जाते हैं वो गैराज बंद होता है। इसलिए पनौती उन लोगों को आज रात उनके साथ ही जंगल में कैंप लगाने को कहता है, जिस पर ना चाहते हुए भी राजू रस्तोगी और बाकी लोगों को उनकी बात माननी पड़ती है। फिर रात को कैंप के दौरान जब पनौती और कंगाली सभी को सलमान भाई के गाने सुना रहे थे, तभी राजू रस्तोगी और शालू शातिर प्लान बनाते हैं कि आधी रात को जब ये दोनों चूतिया सो जाएंगे तो ये लोग उनकी वैन चुरा कर यहां से भाग जाएंगे। वहीं पर हम छुट्टन लाल को देखते हैं, जो कि ढोलकी को सेट करने में लगा हुआ था ताकि वो पूरी रात उसे बजा सके। लेकिन उसे पता नहीं होता कि लड़की के साथ मजदूरी कैसे करनी है, तो वो ढोलकी को बजा नहीं पाता। अभी देखकर राजू रस्तोगी को उस पर तरस आने लगता है और फिर वो उसे मजदूरी करने के कुछ टिप्स देता है। फिर आधी रात को जब सभी सो जाते हैं तो राजू रस्तोगी और शालू शातिर पनौती और कंगाली के टेंट में वैन की चाबी चुराने के लिए घुस जाते हैं। लेकिन तभी पनौती राजू रस्तोगी का हाथ पकड़ लेता है, जिससे उसको लगने लगता है कि अब तो वो पकड़े गए। लेकिन तभी उनको यहां पर एक बात और पता चलती है कि पनौती और कंगाली की मैरिड लाइफ कुछ खास अच्छी नहीं चल रही, इसलिए वो लोग कुछ एक्साइटिंग करना चाहते हैं। दरअसल यहां पर वो लोग ये चाहते थे कि राजू रस्तोगी कंगाली के साथ और पनौती शालू शातिर के साथ मजदूरी करे। लेकिन राजू रस्तोगी और शालू शातिर को उनका ये प्लान अच्छा नहीं लगता और वो अपना पिछवाड़ा उठाकर वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद जब सभी लोग वैन में बैठे थे, तभी वहां पर ढोलकी को देखते हैं, जो कि छुट्टन लाल को दबा दबा कर किस करना चाहती थी। लेकिन चूतिया छुट्टन लाल उसकी ये बात समझ नहीं पाता और वहां से भाग जाता है। फिर वापस वैन में आने पर शालू शातिर और मुन्नी बेईमान उसे लड़कियों को किस करना सिखाती है, क्योंकि उसने आज तक कभी भी किसी लड़की को किस नहीं किया था। लेकिन तभी ढोलकी वहां पर आ जाती है और ये सब देखकर वो समझ नहीं पाती कि ये कैसा चूतिया परिवार है, जहां पर एक बेटा अपनी माँ और बहन को ही चूसने में लगा हुआ है। इसलिए वो इस सबसे गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। अब इस बात से छुट्टन लाल बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि अब वो भी ढोलकी को पसंद करने लगा था। फिर अगले दिन पनौती की फैमिली राजू रस्तोगी की फैमिली को गैराज तक छोड़ने जाते हैं, क्योंकि अब उनकी वैन ठीक हो चुकी थी। और फिर पनौती और कंगाली उन्हें वहीं पर छोड़कर वहां से चले जाते हैं। फिर गैराज के अंदर आने पर राजू रस्तोगी की मुलाकात निर्मल निरोध से होती है, जहां पर उसे पता चलता है कि जो माल वो पप्पू मिश्रा का समझ कर ले जा रहा था वो असलियत में निर्मल निरोध का है। अब निर्मल निरोध उनके इस अपराध के लिए सभी को जान से मारने की धमकी देता है, जिस पर राजू रस्तोगी उसे माफी मांगते हुए कहता है कि उन्होंने ये जानबूझकर नहीं किया। इसी दौरान निर्मल निरोध को यह भी पता चलता है कि शालू शातिर एक बार डांसर है, तो वो उसे वहां पर डांस करने को कहता है। फिर जब शालू शातिर अपना अश्लील डांस दिखाकर सभी गुंडों के घोड़े खड़े कर रही होती है, तभी मौके का फायदा उठाकर राजू रस्तोगी अपनी वैन निकालता है और सभी को उसमें बिठाकर वहां से निकल जाता है। इसी दौरान छुट्टन लाल ड्राइव कर रहा था, जबकि उसे ड्राइव करना आता भी नहीं था। इसी दौरान एक मकड़ी छुट्टन लाल के कच्छे में घुस जाती है और उसके नुन्नू पर काट लेती है। अब इसे छुट्टन लाल को बहुत दर्द होता है और दर्द के मारे वो वैन को कंट्रोल नहीं कर पाता और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। अब मकड़ी के काटने पर छुट्टन लाल का दिमाग खराब हो जाता है, इसलिए सभी उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। वहां पहुंचकर राजू रस्तोगी पप्पू मिश्रा को बहुत ज्यादा गालियां देता है, क्योंकि आज उस चूतिया की वजह से इन लोगों की जान जाने वाली थी। इसके बाद वो उससे
से इस काम के और भी ज्यादा पैसे मांगने लगता है और कहता है कि अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं ये सारा माल निर्मल निरोध को वापस कर दूंगा और उसे तेरा ठिकाना भी बता दूंगा। अभी बस सुनकर पप्पू मिश्रा की फट जाती है और वो उसे ज्यादा पैसे देने के लिए मान जाता है। उधर छोटालाल के ठीक होने के बाद राजू रस्तों की उसे हड़बड़ी में वहां से ले जाने लगता है, जिस चक्कर में वो उसे व्हील चेयर से नीचे गिरा देता है। अब ये बात शालू शात्री को बहुत बुरी लगती है क्योंकि छोटालाल की तो वैसे ही मरी पड़ी थी और राजू रस्तोगी को यहाँ से भागने की लगी हुई थी। अब इसी बात को लेकर राजू रस्तोगी और शालू शात्री के बीच में झगड़ा होने लग जाता है, जहाँ पर बातों ही बातों में राजू के मुंह से निकल जाता है कि उसे इस काम को पूरा करने के 10 लाख मिल रहे हैं। अभी सुनकर शालू शात्री की फट जाती है और वो राजू रस्तोगी से कहती है कि तुम तो इतने पैसे कमाने वाले हो और तुमने मुझे सिर्फ $3,000 दिए हैं। ये सुनकर मुन्नी बेईमान कहती है कि मुझे तो सिर्फ $1,000 मिले हैं। तभी वहाँ पर छोटालाल कहता है, क्या तुम लोगों को इस काम के पैसे भी मिल रहे हैं? जिसको देखकर हमको समझ आता है कि राजू रस्तोगी इसे चूतिया बनाकर यहाँ पर लाया था। अभी जानने के बाद वो तीनों राजू रस्तोगी का साथ देने से मना कर देते हैं, जिसके बाद राजू रस्तोगी उन तीनों को वहीं छोड़कर माल की डिलीवरी करने के लिए अकेला निकल जाता है। इसके बाद जब मुन्नी बेईमान अपने एक दोस्त से बात कर रही थी, तभी हमें पता चलता है कि वो राजू रस्तोगी और शालू शातिर को सच में अपनी फैमिली मानने लगी थी। और फिर कुछ देर बाद वहाँ पर शालू शातिर और छोटालाल भी पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ हम राजू रस्तोगी को देखते हैं, जिसे अपने बाकी साथियों के बिना बच्चा नहीं लग रहा था, इसलिए वो उन लोगों के पास वापस आ जाता है और उन सभी से कहता है कि उसे इस काम को करने पर जितने भी पैसे मिलेंगे वो उन पैसों को सभी में बराबर बांट देगा। अब ये बात बाकियों को भी अच्छी लगती है, जिस वजह से वो राजू रस्तोगी को माफ कर देते हैं। इसके बाद जब वो लोग अपनी वैन की तरफ जा रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें कंगाली और ढोलकी दिखाई देते हैं। फिर ढोलकी छोटनलाल को देखकर अपनी मॉम को उस रात के बारे में बताने लगती है कि मैंने छोटनलाल को अपनी माँ और बहन को किस करते हुए देखा था। अभी सुनकर छोटनलाल घबरा जाता है और वो उनको सब कुछ सच बता देता है कि हम लोग असली फैमिली नहीं है, हम तो बस मैक्सिको से माल स्मगल करके वापस अपने घर जा रहे हैं। तभी वहाँ पर निर्मल निरोध का एक आदमी आ जाता है जिसके पास गन होती है। अभी देखकर वो सभी लोग डर जाते हैं, लेकिन तभी सही टाइम पर पनौती वहाँ पर आकर उस आदमी को मारकर बेहोश कर देता है। पर कुछ ही देर में वहाँ पर निर्मल निरोध भी आ जाता है और ढोलकी को पकड़ लेता है। अब उन सभी चूतियों को एक साथ टपकाने वाला था कि तभी आतिशबाजी के कारण उसका ध्यान भटक जाता है और राजू रस्तोगी इस बात का फायदा उठाकर निर्मल निरोध के हाथ से गन छीन लेता है। तभी छोटनलाल के पिछवाड़े में फिर से चुल मचती है और वो निर्मल निरोध को मुक्का मारकर वहीं पर ढेर कर देता है, जिसके बाद वो ढोलकी के पास जाता है और उसे दबाकर किस करने लगता है। अब सारी बातें पता होने के बाद भी पनौती उन सभी को वहां से जाने देता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि ये लोग अच्छे लोग हैं और ये काम वो मजबूरी में कर रहे हैं। इसके बाद राजू रस्तोगी सारा माल लाकर पप्पू मिश्रा को दे देता है, लेकिन तभी पप्पू मिश्रा उन्हें धोखा देता है और कहता है कि मैं तुम्हें इस काम का 1 रुपया भी नहीं देने वाला। अब राजू रस्तोगी को तो पहले से ही पता था कि ये भड़वा उन्हें धोखा देगा, इसलिए उसने पनौती को यहां का एड्रेस पहले ही दे दिया था। फिर कुछ देर बाद पनौती अपने साथी पुलिस के साथ वहां पर आ जाता है और पप्पू मिश्रा को रंगे हाथों पकड़ लेता है। अब इतना सारा माल पकड़वाने के बदले सरकार उन्हें एक बड़ा सा घर देती है, जिसमें राजू रस्तोगी अपनी नकली फैमिली जो कि असली बन चुकी थी उन सभी के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। और दोस्तों इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।